managed floating. Before this, we have discussed about the flexible rate of exchange or flexible exchange rate. ठीक है? In flexible exchange rate, basically, the rate of exchange is determined by the demand and supply of the foreign currency. अगर foreign currency, for example, हमने dollar का example लिया है, ठीक है? तो अगर dollar की demand increase हो जाती है, तो किसी भी चीज की demand बढ़ेगी, तो prices increase हो जाएंगे, ठीक है? तो इन dollar की demand increase होगी हमारी country में, तो exchange rate will increase. And vice versa, अगर demand decrease होती है, तो exchange rate decrease हो जाएगी, ठीक है? ये तो थे market forces जब determine करती है flexible exchange rate में. Sometimes the government intervenes. या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑल्सो डिटरमाइन, ठीक है, द रेट ऑफ एक्सचेंज. ओके, बेसिकली इसलिए डिटरमाइन वर्ड यूज नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती है. फिक्स तो करती है मार्केट फोर्सेस, लेकिन गवर्नमेंट उनको क्या करती है, मैनिपुलेट कर देती है. मार्केट फोर्सेस के द्वारा जो एक्सचेंज रेट फिक्स हुई है, गवर्नमेंट बीच में इंटरवीन कर देती है, ठीक है. दैट मीन्स Managed floating is the system or the rate of exchange which is intervened or which is fixed by the market forces and later on the government intervenes to re-correct it. ठीक है, fix तो करता है market forces, लेकिन government क्या करती है, बीच में intervene करती है, interrupt कर देती है उस, या फिर disturb कर देती है उस rate of exchange को जो market forces ने determine किया. जैसे for example $1 is equal to rupees 70. ठीक है, तो द एक्सचेंज रेट इज रुपीज 70. एक डॉलर को हमें एक्सचेंज करने के लिए 70 रुपये चाहिए. ठीक है, ये मार्केट फोर्सेस की वजह से डिटरमाइन हुआ है. ठीक है, नाउ इफ डिमांड इंक्रीज तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगी. सपोज रुपीज 70, तो पहले भी एग्जाम्पल में यही लेके चले हैं. ठीक है, 70 रुपये हो गए हैं हमारी एक्सचेंज रेट. So that means basically देखा जाए तो Indian currency has been depreciated. हमारी currency weak हो गई है, depreciate हो गई है, depreciation of the currency कहेंगे. Value कम हो गई है ना, depreciation यही होता है कि value को reduce हो जाना. ठीक है, तो हमारी currency depreciate हो गई है. okay. इसके कुछ effects होंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर currency depreciate होती है तो उसके कुछ impacts या effects होते हैं. क्या, कि हमारे जो exports हैं वो increase हो जाएंगे. ठीक है, इम्पोर्ट घट जाएंगे, डायरेक्ट परचेजेस इंक्रीज हो जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे. तो ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज थी वो तो गवर्नमेंट ने डिटरमाइन की, सॉरी मार्केट फोर्सेस ने डिटरमाइन की कि डिमांड बढ़ गई तो एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज होगी. नाउ व्हाट इफ गवर्नमेंट इंटरवीन और इंटरप्ट दिस रेट, मार्केट में इस करेंसी की, ये जो पर्टिकुलर करेंसी हमने डॉलर लिए, यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ गई थी, इस वजह से इसके प्राइसेस भी बढ़ गए, रेट भी बढ़ गए. अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास आरबीआई के पास होते हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व, हमें पता है ये, बिकॉज आरबीआई इज द कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना. आरबीआई एक कस्टडियन का काम करता है, सारी फॉरेन करेंसी उसके पास जमा होती है. ठीक है, तो उस रिजर्व में से अब देखो डिमांड बढ़ी है ना इसकी, तब रेट बढ़ गई. अब आरबीआई क्या करता है, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी फॉरेन करेंसी रिजर्व में से कुछ रिजर्व को बेच देता है. ठीक है, तो क्या बन जाएगी इसकी, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बेच दिया, सेल कर दी फॉरेन करेंसी मार्केट में. तो डिमांड बढ़ी करेंसी की या सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ी ना, क्योंकि इन्होंने अपनी जो जमा करके रखा था अब वो मार्केट में निकाल दिया. ठीक है, तो मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ गई किसकी, फॉरेन करेंसी की. ये रेट क्या हो जाएगी, अब ये जो प्राइस है, रेट है एक्सचेंज रेट, अब ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई ना. ठीक है, तो ये रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ओके, इट माइट स्ट्राइक एट दिस रेट और माइट भी इससे नीचे भी जा सकती है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. क्लियर, सो गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केट फोर्सेज ने जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करके दी थी या डिटरमाइन हो गई थी, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे करेंसी डोमेस्टिक करेंसी वीक हो गई थी ना, जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, पहले एक डॉलर खरीदने के लिए 70 रुपये देने पड़ते थे, या एक डॉलर की कोई चीज़ खरीदने के लिए 70 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब कितने खर्च करने पड़ेंगे, 72. ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी करेंसी या हमारी परचेजिंग पावर, हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो गई ना,
इटाली सत्तर में आता था, एक डॉलर की चीज अब कितने में आती है, बहत्तर में आती है, आपको एक्स्ट्रा 200 डॉलर पे करने पड़ेंगे। सो दैट मीन्स हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो गई है ना। अगर 70 ही रुपए हैं तो क्या एक डॉलर की चीज खरीद पाओगे आप? इस रेट के साथ नहीं खरीद पाओगे तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग, वापस से स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ा देगी। ठीक है, तो वापस से क्या हो जाएगी, एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगी और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी होता है। जब मैं इसको मान लूं, पहले सपोज पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया कि पहले $1 इक्वल टू 70, एक्सचेंज रेट 72 रुपीज थी, अब एक्सचेंज रेट हो गई 70 रुपीज। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, घट भी सकती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इसको वापस ना पहुंचाने के लिए कोशिश करेगी। ओके, क्यों करेगी वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्लियर? बोला वाइस वर्सा, भाई 72 से 70 पे पहुंचाया, तो ऐसा भी करती है कई बार कि 70 से 72 पे भी पहुंचाना चाहती है। ठीक है, सो दो कॉन्सेप्ट आए हमारे पास। ठीक है, एक आया डीवैल्यूएशन और दूसरा आया रीवैल्यूएशन। जैसे हमने डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन पढ़े थे एग्जैक्टली वैसे ही, डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू कम हो जाना, डीवैल्यूएशन का मतलब भी वैल्यू गिर जाना या कम हो जाना, एप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू बढ़ जाना, रीवैल्यूएशन का मतलब भी वैल्यू का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, किसकी वैल्यू? डोमेस्टिक करेंसी की। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे बताओ, वेन $1 वॉज इक्वल टू ₹72, नाउ इट इज इक्वल टू ₹70। सो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हुई है या ज्यादा हुई है? यहाँ पे ज्यादा हुई है ना, तो दैट मीन्स क्या हुआ होगा, डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन? रीवैल्यूएशन, वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, क्लियर? अगर इसको उल्टा कर दूं, यहाँ पे 72 और यहाँ पे 72, अब ज्यादा पे करना पड़ेगा, दैट मीन्स वैल्यू गिर गई है, तो इट विल बी डीवैल्यूएशन। ठीक है, क्लियर? नाउ द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन एंड appreciation, ठीक है? तो when the value of the domestic currency, listen carefully, when the value of the domestic currency reduces due to market forces, it is called appreciation. When the value is reduced by the government willingly, जानबूझ के ऐसा किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं devaluation, अपनी currency की value घटा दी। कैसे घटा देती है? Foreign currency को खरीद ले, सप्लाई कम कर देगी ना मार्केट से, अब ये खरीद गवर्नमेंट खरीदेगी, आरबीआई खरीद लेगा। ठीक है, मार्केट में क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी क्रंच, फॉरेन करेंसी की लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगी। ठीक है, स्क्वीज कर ली, गवर्नमेंट ने खरीद ली है, तो लोगों के लिए, प्रोड्यूसर के, ट्रेडर्स के लिए कम बचेगा, दे विल डिमांड मोर, सो दैट मीन्स बेसिकली गवर्नमेंट ने डिमांड बढ़ा दी मार्केट में, गवर्नमेंट भी खरीद ले लगी, तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो गवर्नमेंट ने डीवैल्यूएशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, एंड वाइस वर्सा रीवैल्यूएशन क्रिएट कर दी। ओके, तो डिफरेंस में क्या है, जब गवर्नमेंट वैल्यू रिड्यूस करती है तो डीवैल्यूएशन होगा, जो मार्केट फोर्सेस की वजह से ऑटोमेटिकली होती है तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। गवर्नमेंट इंक्रीज करती है तो रीवैल्यूएशन, एंड मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है तो एप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नाउ द क्वेश्चन अराइजिंग, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? ठीक है, गवर्नमेंट क्यों अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना, चलो बढ़ाने का तो मतलब समझ आता है तुम्हें। ओके, सो हमें रीवैल्यूएशन में तो समझ आता है, ठीक है, कि भाई वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डीवैल्यूएट क्यों करना चाहेगी, ठीक है, अपनी करेंसी को वीक क्यों करना चाहेगी। ठीक है, सो हम यहाँ पे कौन सा डेप्रिसिएशन वाले ही यूज करते हैं। अब देखो, डीवैल्यूएशन यहाँ से इन दोनों केस में, ठीक है, फर्स्ट केस है ये, सेकंड केस है ये। ठीक है, पहले इतना था एक्सचेंज रेट, अब इतना हो गया है, ये फर्स्ट केस, पहले एक्सचेंज रेट इतना था, अब इतना हो गया है। ठीक है, तो डीवैल्यूएशन कौन से केस में है? केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट केस डीवैल्यूएशन के केस है, गवर्नमेंट ने डिमांड करके एक्सचेंज रेट को बढ़ा दिया है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो देखो, $1 = ₹72। ठीक है, ओके, तो $1 की कोई चीज़ खरीदनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 72 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 72 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, सो जो फॉरेनर्स हैं, पहले उनको ये चीज़ बेच के, इतनी चीज़ बेच के कितने मिलते थे, 70 रुपीज़। अब जो फॉरेन ट्रेडर्स हैं उनको कितने मिलेंगे, एक्स्ट्रा 2 रुपये मिलेंगे, उनसे प्रॉफिट बढ़ गए ना,
पहले भी इतनी वैल्यू की चीज बेच रहे थे $1 की, अब भी उतने की वो बेच रहे हैं लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो क्या बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ पे, इम्पोर्ट बढ़ेंगे या एक्सपोर्ट बढ़ेंगे? वैल्यू गिर गई है, तो इसको क्या हम फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे? हम कंज्यूमर को इम्पोर्ट कब बढ़ेंगे? जब हम मांगेंगे तभी तो इम्पोर्ट बढ़ेंगे, है ना। तो इम्पोर्ट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कम हो जाएंगे, ठीक है। और बढ़ेगा क्या? एक्सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि बेसिकली उनको अब इतनी वैल्यू की चीज खरीदने के लिए पे कम करना पड़ेगा। पहले $1 से ₹70 खरीद पाते थे, अब $1 से कितना खरीद पाते हैं? ₹70। अगर मैं सपोज इनको यूनिट मान लूं, पहले किसी कमोडिटी की 70 यूनिट खरीदी जाती थी $1 में, अब कितनी? 72 यूनिट। तो सीधा सा प्रॉफिट दिख रहा है ना, हर उतना ही करना पड़ता है लेकिन बिल ज्यादा रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, ओके। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो कंट्री को क्या फायदा होगा? इनफ्लो फॉरेन करेंसी होगा ना, ठीक है। फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे तो गवर्नमेंट करेगी अपने फॉरेन रिजर्व, फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कर सकती है डिवैल्यूएशन, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगे, यहाँ पे चीजें सस्ती हैं, रिसोर्सेज सस्ते हैं, तो फॉरेनर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे, सस्ते हैं ना, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, बदले में गवर्नमेंट को तो फायदा ही है, फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ रहे हैं उसके अल्टीमेटली, ठीक है। तो इस वजह से अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अब MNCs आएंगी तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, ओके। फॉरेन करेंसी तो आएगी आएगी, जब MNCs आएंगी इन्वेस्ट करने तो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू भी तो बढ़ेगी, है ना। तो इनकम भी बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए डिवेल्यूएशन करेगी, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? डिवेल्यूएशन कर देती है, ठीक है, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है। कैसे कम कर देती है? फॉरेन करेंसी को मार्केट से खरीद के उसकी डिमांड बढ़ा के, ठीक है। तो इसलिए रिवैल्यूएशन करती है, ओके, क्लियर। इसी सिस्टम को हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। जब एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर दे बाय इंटरवीनिंग, और RBI तक, गवर्नमेंट तो नहीं करती, बेसिकली ये काम गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI करता है, क्योंकि RBI का कस्टडियन ना फॉरेन एक्सचेंज का, तो खरीदेगा और बेचेगा कौन? वही खरीदेगा और बेचेगा, ठीक है। सो एक्सचेंज रेट को जब मैनिपुलेट करती है, डिस्टर्ब करती है गवर्नमेंट बाय सेलिंग और बाइंग द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट और मनी मार्केट, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। और वहां से दो कॉन्सेप्ट है, रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन, ठीक है। और क्यों करते हैं ये हमने देखा अभी, ओके, कि डिवैल्यूएशन, तो बेसिकली डिवैल्यूएशन का एक क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट क्यों डिवैल्यूएट करती है, फिर रिवैल्यूएशन समझ आता है कि अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन क्यों करती है? गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाने के लिए, ठीक है, एंड अपनी टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इसलिए डिवैल्यूएशन करती है अपनी करेंसी का, डिवैल्यूएशन करती है, ओके। जैसे 2 साल पहले चाइना ने किया, ओके। तो बेसिकली ये चीजें हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, ओवरव्यू देखो, बहुत सिंपल है। कंपोनेंट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, कंपोनेंट का मतलब है कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड किस किस पर्पज के लिए करते हैं, वो ही कंपोनेंट्स हो जाएंगे। हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? इम्पोर्ट के बदले पे करने के लिए, ठीक है। लोन उधार जो ले रखे हैं बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से या इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज से, IMF और वर्ल्ड बैंक से, उनको जो वापस करना है, रीपेमेंट करनी है, उधार चुकता करना है, तो उस केस में भी हमें क्या चाहिए होगा? फॉरेन करेंसी भी पे करेंगे, ठीक है। और जब हम क्या कर रहे होंगे, किसी कंट्री को ग्रांट से डोनेशन दे रहे होंगे, ठीक है, भाई कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटी है, ठीक है, उसके लिए हम ग्रांट से डोनेशन दे रहे हैं, तो भी हम फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है हमें, ठीक है। और जो फॉरेनर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं या यहाँ पे हैं, ठीक है, उनको रेमिटेंसेस करनी होती है वहाँ पे अपनी कंट्री में, अपने यू कैन से फैमिली को जब वो पैसा भेजते हैं, तो दे डिमांड फॉर, या इनकी वजह से, इस एक्शन की वजह से फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है। एंड जब हम लोग, मीन्स हमारी कंट्री के लोग बाहर घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, सो दे यूज टू परचेज
उन्हें कुछ चीज़ें परचेज, गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव टू परचेज, ठीक है, होटल लेना पड़ेगा, खाना खाना है, कुछ चीज़ें खरीद भी रहे होंगे, टैक्सी हायर करनी है, तो किस में पे करेंगे, फॉरेन करेंसी में पे करेंगे, ठीक है, सो उन्हें पहले एक्सचेंज करानी पड़ेगी ये चीज़ें, ठीक है, सो डायरेक्ट परचेज, इनफॉर्म नाम देते हैं डायरेक्ट परचेज, ठीक है, क्लियर। तो इम्पोर्ट के बदले पे करने के लिए, बोरोइंग्स को रीपे करने के लिए, फॉरेनर्स को या फॉरेन कंट्रीज को ग्रांट डोनेशन या चैरिटी देने के लिए, डायरेक्ट परचेजेस के लिए, रेमिटेंसेस के लिए जो एनआरआईज हैं, ठीक है, ओके, वो यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, और जो फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं वो अपनी कंट्री में भेज रहे हैं, ठीक है, सो फॉर रेमिटेंसेस, ठीक है, सो इन पर्पजेस के लिए ये सारे हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं। एंड नेक्स्ट वन इज एक और चीज़ है, दैट इज स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। अब स्पेक्यूलेटिव क्या है, स्पेक्यूलेशन पढ़ा होगा तुमने, सट्टा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, दैट इज स्पेक्यूलेशन। लोग जो है फॉरेन करेंसी को या इस पर्पज से भी खरीदते हैं कि जब इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो मैं बेच दूंगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ स्पेक्यूलेटिव मोटिव। उनको उस करेंसी की वैसे जरूरत नहीं थी, मतलब कि वो बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, या फिर उन्हें यू कैन से इम्पोर्ट के बदले पे भी नहीं करना है, ठीक है, मतलब कोई पेमेंट नहीं करनी, ठीक है, उन्होंने सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद लिया, ठीक है, इसलिए खरीद लिए डॉलर या डॉलर में इन्वेस्ट कर लिया कि आज डॉलर 70 रुपये का है, अब देखा जाए, मुझे मार्केट की नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो मेरे जो यू कैन से मतलब मेरी अगर फीलिंग कह रही है कि वो 75 रुपये हो जाएगा आने वाले 2-3 महीनों में, डिमांड इतनी बढ़ रही है, या 6 महीनों में, ठीक है, तो मैं इतने खरीदे, इतने हज़ार के मैंने डॉलर्स खरीदे, 10,000 के डॉलर्स खरीदे, 10,000 रुपये के बदले डॉलर्स खरीदे, ओके, सो बदले जब मैं बेचूंगा आपके 70 के हिसाब से, तो एक के ऊपर 5 का फायदा होगा, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट होएगा, ठीक है, सो इसे हम कहते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव, इन्वेस्टमेंट पर्पज, ठीक है, तो इस पर्पज से भी लोग खरीदते फॉरेन करेंसी, ओके, तो ये हमारी सारी डिमांड के कॉम्पोनेंट्स हो गए, इन इन पर्पज के लिए डिमांड होती है। फर्स्ट पर्पज हो गया फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीज से लोन लिया है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF एंड वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, ओके, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड टू रीपे इट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, सो इन केस ऑफ रीपेमेंट दे हैव टू पे इन फॉरेन करेंसी, दैट्स व्हाई दे विल डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। इतना सा लिखना है, लिख लोगे, कोई और लॉजिक नहीं बताना, ठीक है, तो 2-3 लाइन में कंप्लीट है। नेक्स्ट रीपेमेंट है, उसके बाद पेमेंट करनी है हमने, किसकी, पेमेंट फॉर इम्पोर्ट, जो हमारी कंट्री ने इम्पोर्ट किए हैं उनको पे करना है, उनके बदले जो पेमेंट करनी है, ठीक है, तो इम्पोर्ट जो है उनको पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमें चाहिए, अभी परचेजेस ले लेते हैं, तो नेक्स्ट ले लेते हैं डायरेक्ट परचेजेस, ये भी परचेजेस नहीं है एक तरीके से, भाई बाहर से मंगवाया तो बाहरी कंट्री से खरीदा है, ठीक है, तो डायरेक्ट परचेजेस, पेमेंट फॉर डायरेक्ट परचेजेस, यू कैन से डायरेक्ट परचेजेस का मतलब है जब हमारी कंट्री के लोग एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं फॉरेन में, ठीक है, तो उन्हें वहाँ पे कुछ सर्विसेज या कुछ गुड्स के बदले पे करना, वो खरीदते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ ना खरीदें, खाना और रहने की चीज़ें तो खरीदेंगे ना, दे वुड हायर फॉर टैक्सी सर्विसेज, ठीक है, दे वुड पे फॉर देयर मील, दे वुड रेंट होटल रूम, ओके, फॉर देयर अकोमोडेशन व्हाटएवर, तो उसके बदले उन्हें पे करने के लिए क्या चाहिए, वहाँ की करेंसी चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्ट परचेजेस का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बॉट डायरेक्टली इन और फ्रॉम द फॉरेन मार्केट, गुड्स एंड सर्विसेज बॉट डायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेन मार्केट, डायरेक्टली जाके खरीदी गई है फिजिकली, ठीक है, एज टूरिस्ट फॉर एग्जाम्पल, एज टूरिस्ट लोग जब खरीदते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट परचेजेस में आती है, तो उस पर टूरिस्ट जाएंगे तो एक्सचेंज करा के तो जाएंगे, एयरपोर्ट से एक्सचेंज हाउसेज होते हैं, वहाँ पे हम एक्सचेंज करा सकते हैं करेंसी, ठीक है, ऐसा तो नहीं मैं रुपी लेके वहाँ पहुँच जाऊँ, वहाँ पे एयरपोर्ट पे टैक्सी को बुलाना और उनको मेरे पास तो रुपी है, ठीक है, तो पहले आपको एक्सचेंज करा के जाना पड़ता है, ठीक है, तो डायरेक्ट परचेज के नाम से आती है। उसके बाद ग्रांट्स एंड डोनेशन, ठीक है, हर कंट्री एक दूसरी कंट्री की हेल्प कर रही होती है, जैसे इंडिया को भी लाइक नेचुरल कैलेमिटीज के केस में दूसरी कंट्रीज से मिलते हैं डोनेशन ग्रांट, ठीक है, ऐसे इंडिया भी कुछ दूसरी कंट्रीज को ग्रांट या डोनेशन, नॉट पे, दैट इज नॉट अ पेमेंट, ओके,
तो उसे पेमेंट नहीं चाहिए. गिव यू कैन यूज द वर्ड गिव, ठीक है. दे गिव डोनेशन और ग्रांट टू द अदर कंट्री इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी एंड सर्टेन अदर कंट्री. लाइक पुअर कंट्रीज में कुछ सोशल कॉज के लिए भी देते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है. जैसे कुछ एन जी ओज होती है, ठीक है, जैसे बिल गेट्स की एक एन जी ओ है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स उनकी वाइफ के नाम से. तो वो जो पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पे छोटे या जो पुअर चिल्ड्रन हैं उनकी एजुकेशन के लिए डोनेट करती रहती है. तो इस तरीके से एन जी ओ डोनेट करती हैं, तो उनको फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, ठीक है. तो फॉर ग्रांट्स एंड डोनेशन, ओके, ग्रांट्स एंड डोनेशन पुअर कंट्रीज को या नेचुरल कैलामिटीज के केस में उन्हें देना होता है, ठीक है. तो उस केस में भी हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन इज पेमेंट्स ऑफ पेमेंट्स फॉर इनकम. एक और पॉइंट है, छोटा सा है, ये हर बार यूज नहीं होता, ठीक है, कभी कभी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंट्री में कोई कंपनी है, ठीक है, उन्होंने किसी इंजीनियर, वॉट एवर इट इज, चाहे वो इंडियन कंपनी ही क्यों ना हो, उसने किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को, किसी कंसल्टेंट को, किसी इंजीनियर को बाहर से बुलाया है किसी स्पेशल पर्पज के लिए कि आप एक हफ्ते के लिए हमारे वर्कर्स को ट्रेनिंग देंगे. हम क्यों, फॉर एग्जाम्पल, हमने, मेरी कंपनी है, मैंने जर्मनी से, जर्मनी की किसी कंपनी से एक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी खरीदी है, ठीक है. अब वो नई मशीन ले आए तो वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर. या फिर वो मशीन खराब हो, इंस्टॉल ही नहीं हो पाई हमारे यहाँ से, ठीक है. तो मैं वहाँ से मैकेनिक या फिर एक्सपर्ट्स को बुलाता हूँ फॉर इंस्टॉलेशन पर्पज या फॉर ट्रेनिंग पर्पज या फॉर रिपेयरिंग. होता है ऐसा, कई बार होता है, ठीक है. तो उन्हें जब हम पे करेंगे तो उन्हें हम इंडियन रुपी में पे नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं है, ठीक है. अगर वहाँ के लोगों को मैं परमानेंटली एम्प्लॉय करता हूँ, एज एन एम्प्लॉई वो मेरे काम करेंगे, तो मैं इंडियन करेंसी दे सकता हूँ उनको पेमेंट में, इनकम में. लेकिन जब इस तरह के स्पेशलाइज एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कुछ टाइम के लिए, नॉट एज एन एम्प्लॉय, यू आर हायरिंग देयर सर्विसेज एज अ क्लाइंट और कस्टमर, आप उनके कस्टमर और एज अ क्लाइंट हायर कर रहे हैं उनकी सर्विसेज, तो उनको जो पे करोगे वो पेमेंट किस में आती है, फॉरेन करेंसी में करनी होती है, ठीक है. सैलरी नहीं पे कर रहे हैं आप, ओके, ठीक है. सो ये था डिमांड कॉम्पोनेंट, ठीक है, कि फॉरेन करेंसी की डिमांड किस किस पर्पज से होती है. इसी तरीके से सप्लाई के उल्टे हो जाएंगे, ठीक है. कुछ ऐसे हैं जो उल्टे हो जाएंगे, जैसे पेमेंट को सप्लाई, कॉम्पोनेंट ऑफ सप्लाई का मतलब है कि फॉरेन करेंसी कहाँ कहाँ से आ रही है, हमें किन किन सोर्सेज से मिल रही है, किस किस एक्शन के बदले मिल रही है. तो यहाँ पे इम्पोर्ट के बदले पे करना पड़ा तो हम डिमांड कर रहे हैं, डिमांड साइडर हो गए. अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बदले में हमें क्या आ रहा है, फॉरेन करेंसी, तो सप्लाई हो गई ना फॉरेन करेंसी की, ओके. तो इस तरीके से सप्लाई के कॉम्पोनेंट आ जाएंगे, ठीक है. तो कॉम्पोनेंट और सप्लाई, यहाँ पे हम सप्लाई यूज करेंगे डिमांड की जगह, कॉम्पोनेंट और सप्लाई को फॉरेन करेंसी, ठीक है. सो बेसिकली फर्स्ट कहते हैं एक्सपोर्ट, जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, फर्स्ट कॉम्पोनेंट होगी एक्सपोर्ट. तो जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट करेगी तो बदले में फॉरेन करेंसी रिसीव करेगी, ठीक है. द कंट्री और द गवर्नमेंट इज रिसीविंग द फॉरेन करेंसी इन कंसीडरेशन ऑफ द एक्सपोर्टेड मटीरियल. जो भी एक्सपोर्ट किए बदले में फॉरेन करेंसी मिल जाएगा. तो सप्लाई का सोर्स हो गया एक्सपोर्ट. नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. दो है, या सप्लाई होती है फॉरेन करेंसी की, ठीक है. इसी तरीके से हमने एक्सपोर्ट एंड डायरेक्ट परचेजेस एंड ग्रांट्स एंड डोनेशन, ठीक है. सॉरी, डायरेक्ट परचेजेस इम्पोर्ट में था, डिमांड में था. एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रांट्स एंड डोनेशन. जैसे वहाँ पे ग्रांट्स एंड डोनेशन हमारी कंट्री दूसरी कंट्री को की है, वैसे ही दूसरी कंट्रीज भी हमें करती हैं. तो किस में करेंगे, पहले एक्सचेंज थोड़ा करा के हमें रुपी में थोड़ा देंगे, वो उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेंसी या फिर अपनी करेंसी में देती हैं डोनेशन, ठीक है. तो यहाँ पर हमें फॉरेन करेंसी रिसीव हुई इन कंसिडरेशन ऑफ ग्रांट्स एंड डोनेशन, उनके बदले भी हमें